ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप तक लगाया है। पुलिस ने पिता बेटे समेत चार आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। ईसाई धर्म अपनाने को लेकर, क्रिश्चियनिटी अपनाने को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं। जय मसीह दोस्तों, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। दोस्तों अभी आपने एक वीडियो का छोटा सा क्लिप देखा, ये वीडियो गाजियाबाद का है और गाजियाबाद से ही एक वीडियो मैंने और दिखाया था जो कि इस चैनल पर पड़ा है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो भी गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में चार ईसाई लोग थे और वो लोग लोगों को घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, ऐसा आरोप वहाँ के लोगों ने लगाया। और यहाँ पर जो है ये क्या हुआ और कि यहाँ पर वो चारों पास्टरों को, चारों ईसाइयों को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और वहाँ पर ले जाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया है। ये मामला क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों ये वीडियो गाजियाबाद का है और आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर में मामला है क्या, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर आ रही है जहां पर जबरन धर्म परिवर्तन का खुलासा हुआ है। धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इन चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने अपने जेठ और बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप तक लगाया है। पुलिस ने पिता बेटे समेत चार आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। ईसाई धर्म अपनाने को लेकर, क्रिश्चियनिटी अपनाने को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पर प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए गए कि अगर क्रिश्चियन ईसाई धर्म नहीं अपनाते हैं तो उसके ना अपनाने के चलते इनको प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। शुरुआत में पुलिस मामले की छानबीन मारपीट की शिकायत के आधार पर कर रही थी, लेकिन पुलिस ने जब आरोपी भतीजे को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया तब मामला कुछ और ही निकला। संगीता नामक महिला ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके जेठ का लड़का आशु और प्लस उनके सास और ससुर ये लोग उस पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डालते हैं। और तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा है, ये वीडियो गाजियाबाद का है और गाजियाबाद में यहाँ पर ये चार ईसाई लोग हैं जो कि जाकर मतलब सबको बताते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और परमेश्वर का वचन सभी तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं और पहुंचा रहे थे, तभी वहां पर लोगों ने इन पर आरोप लगाया कि ये लोग लोगों को प्रताड़ित करके यहां पर धर्म परिवर्तन कराते हैं, लोगों को बहला फुसला कर, ऐसा ऐसा आरोप वहां पर लोगों ने लगाया और लोगों ने इनको गिरफ्तार करवा दिया, थाने में भिजवा दिया। पुलिस आई, लोगों को पकड़ कर ले गई और यहाँ पर आपने तस्वीर में देखा ये चार ईसाई भाई लोग हैं जो कि यहाँ पर इनके ऊपर ऐसा गंभीर आरोप लोगों ने लगाया और ये अभी इस समय जेल में है, यहाँ पर पुलिस पकड़ के ले गई है, थाने में यहाँ पर बंद की है और ऐसे ऐसे आरोप यहाँ पर लोगों ने लगाया और लोगों ने बताया कि यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित करके यहाँ पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे। तो दोस्तों ऐसे ऐसे हमारे भारत देश के अंदर देखने को मिलता है कि एक ईसाई को इतना परेशान किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म को ही परेशान किया जाता है, ईसाई धर्म को जो है लोग ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पर मामला हमारे भारत देश के अंदर देखने को मिलता है और बहुत पहले से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप इन ईसाई भाइयों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि ये जल्द से जल्द छूटें और फिर परमेश्वर के कामों में लगें, परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ें और परमेश्वर इन्हें आशीष दे। तो आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे।